शरीर सुनना चले गए ना आज 20 जनवरी एक्चुअली जो है ना आज मार्टिन्स डे भी है और आज ही के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को शॉर्ट डेड किया गया था। वो क्षण कुछ गम से भरा हुआ था और ठीक आज तुमने एक फेयरवेल यानी कि विदाई समारोह रखकर मुझे शायद के उतने ही जो है ना रुलाने का प्रयास किया है। तुमने हमारे सामने अपने बच्चों की तरह से जिस वफादारी से अपना 10वीं का जो है ना साल पूरा किया, उस 10वीं के साल को पूरा करने के लिए एक बार मैं तुम लोगों की उन आदतों को उन आचार व्यवहारों को सलाम करता हूँ। तुम लोग वाकई जो है ना हमारे अपने बच्चों जैसे थे, आज हो और कल भी रहोगे। हालांकि ये जो है ना विदाई शायद के जो है ना लोग यूं जो है ना मानते हैं कि विदाई समारोह वास्तव में जब दो व्यक्ति बिछड़ कर जो है ना एक दूसरे को छोड़कर अलग होने लगते हैं, तब ऐसे में यूरोप वालों का जो है ना ये तरीका हुआ करता था कि जो है ना अच्छा अच्छा खाना खाते, अच्छे गीत सुनते और एक समारोह एक उत्सव के रूप में मनाकर हमेशा हमेशा के लिए जो है ना अलग हो जाया करते थे। लेकिन मैं इस बात का कायल हरगिज भी नहीं हूँ। तुम जहाँ भी रहोगे हमने जो है एक टॉर्च बेयरर की तरह से तुम्हारे लिए पथ प्रदर्शन करने का कार्य किया है। शायद के मैंने जो टॉर्च दिखलाई है तुम लोगों को, जो प्रकाश हमने अपने स्तर से तुम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है, शायद के तुम जहाँ भी जाओगे इंशाल्लाह कल को वही रोशनी सारी दुनिया में तुम फैलाने के लायक बनोगे। हालांकि विदाई का मतलब वैलिडिक्शन भी होता है, विदाई का मतलब जो है ना फेयरवेल भी होता है। फेयर एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बनाया गया है, एक तो फेयर है दूसरा वेल है। वेल का मतलब अच्छा होता है और फेयर का माना जो है ना किराए के होता है, बदले में ली जाने वाली चीज से होता है। पैसेंजर जो किसी को उपलब्ध करवाता है किसी भी तरह का जो है ना मुआवजा, उसका नाम जो है ना किराया होता है और किराए के लिए एक वर्ड फेयर आता है। मैं भी अपने तुम्हारे साथ क्लास 10वीं के साथ 365 दिनों का एक अच्छा वक्त गुजारा है। मैंने अपने तौर पर कोशिश ये की है कि तुम मुझसे अधिकतम हासिल कर सको। आज के डेट में मैं तुम लोगों से इसी वादे के साथ तुम लोगों को कुछ समय के लिए छोड़ना चाहता हूं और बदले में मैं तुमसे फेयर के तौर पर ये प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि तुम शायद के अपने घर में तो अच्छा करोगे ही, अपने गांव में भी अच्छा करो और मैं कम से कम इस तहसील के अंदर अच्छा करने के प्रॉमिस के साथ, मैंने 9th में तुम लोगों को इसी प्रॉमिस के साथ पढ़ाना शुरू किया था, आज फिर मैं वही प्रॉमिस वही वादा एक बार दोबारा याद करवाना चाहूंगा कि कम से कम मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं मांगता हूं तुमसे, मैं चाहता हूं कि तुम एटलीस्ट बख्तियारपुर में जो है ना टॉप कर सको। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बाय बाय।